हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप जो है मनी व्यू से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी जरूरत है इंस्टेंट में पर्सनल लोन की तो आप मनी व्यू से ले सकते हैं। पर दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आसपास या अपने रिश्तेदारों से ही काम चला ले, क्योंकि इन ऐपों का जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप कृपया करके अपने आसपास पड़ोस से ही काम चलाएं। तो अगर आपको नहीं होता तो आपको लोन लेना ही है तो आप इससे लोन जो है आसानी से ले सकते हैं। आपसे इससे लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से मनी व्यू लोन ऐप को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा। यहाँ पे दे सकते हैं लोकेशन, SMS, मीडिया एंड फोटोज का, यहाँ पे जो भी आपने ऐप इंस्टॉल कर रखा है उन सभी का, और यहाँ पे आपको डिवाइस इन्फॉर्मेशन का भी आपको यहाँ पे जो है परमिशन देना होगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन दिखाई देगा तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको अलाउ अलाउ और फिर अलाउ अलाउ करते जाना है। करते करते दोस्तों फिर आपका जो भी आपके मोबाइल में जीमेल लॉगिन होंगे वह यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इनमें से आपको एक जीमेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करते ही दोस्तों फिर ओके वाले ऑप्शन पे यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपका जीमेल यहाँ पे जो है यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बोला जाएगा मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर इसमें लगा होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, नहीं तो आपका मैनुअली आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको सिंपली करना है यहाँ पे नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके उस मोबाइल नंबर पे OTP सेंड किया जाएगा 6 डिजिट का। वो OTP यहाँ पे आपको फिल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको बोला जाएगा फर्स्ट नेम डालने के लिए। पर दोस्तों आपका नेम जो आपके पैन कार्ड पे लिखा हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे आपका क्या काम करते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे इनकम आएगा, एनुअल फैमिली इनकम, आपका जो फैमिली इनकम है वो कितना तक हो जाता है एक साल के अंदर, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 3 लाख तक कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं तो 3 लाख से कम भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको एक को सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या, यहाँ पे आपको मंथली इनकम के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ मंथली इनकम भी आपको जो भी आप मंथली इनकम कमाते हैं यहाँ पे टाइप कर देना। फिर आपको यहाँ पे आपका जो इनकम है वो आप किस सोर्स से आता है, ऑनलाइन आता है या चेक आता है या कैश आता है, तो जो भी आता है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं ऐसे ऑनलाइन है, यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। फिर आपको इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे गेट ऑफर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों फिर आपको यहाँ बोला जाएगा पैन नंबर डालने के लिए, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड जो है एड्रेस का वो आपको यहाँ पे फिल करके गेट ऑफर पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपका जो भी लोन का अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको कितने तक का लोन मिल सकता है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों आपके ये सभी कुछ जो है आपके सिविल स्कोर पे जो है डिपेंड करता है, कि यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है 1,20,000 ये आपके सिविल स्कोर पे ही डिपेंड करेगा। ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है या फिर इससे कम भी हो सकता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो। आपको फिर नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप 6 मंथ के लिए लेते हैं जैसे 1,20,000 तो आपको कितने मंथली MI बनेगी और आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा महीने के हिसाब से, या 9 मंथ के लिए या 12 मंथ के लिए, आपको इसी हिसाब से यहाँ पे आपको चेक कर लेना है आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, आपको जितना भी अमाउंट चाहिए 1,20,000 में, तो यहाँ पे आपको माइनस प्लस का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ माइनस प्लस करके आप यहाँ पे अमाउंट को कम 1,20,000 से कम भी कर सकते हैं। अगर आपको 25,000 की जरूरत है तो 25,000 का भी लोन यहाँ से ले सकते हैं। तो उसके बाद आपको सिंपली करना, अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको MI को यहाँ पे सेट कर लेना कौन से कितने मंथ के लिए आपको चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा आपको यहाँ पे 4 स्टेप में जो आपका जो है लोन अमाउंट जो है यहाँ पे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा है वेरीफाई KYC, तीसरा MI ऑटो डेबिट, और यहाँ पे रिव्यू एंड एग्रीमेंट का चौथा ऑप्शन यहाँ पे आप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फिर आपको सिंपली करना क्या, लेट्स एंड गो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, आप शादीशुदा है या सिंगल है, तो इस पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे यहाँ पे एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको फादर्स का फुल नेम या मदर्स का फुल नेम, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका अपना घर है या फिर आप रेंट पे, तो अपना घर है तो आपको ओनर हाउस पे क्लिक करना, रेंटेड घर है तो आप यहाँ पे रेंट हाउस पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपसे जो एड्रेस होता है आपका करंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना पूरा एड्रेस। फिर आपको यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन, मतलब आप लोन किस लिए चाहिए, आपको इस पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी जिसके लिए आपको लोन चाहिए। फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि कंपनी जब आपसे बात करना चाहती है आप कौन से
लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी गलती होगा डॉक्यूमेंट में तो आपसे कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट जरूर करेगी। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज यहाँ पे जरूर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों फिर आपको यहाँ पे कंपनी नेम एंटर करना होगा। यहाँ पे इस पे क्लिक करके बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च भी करके यहाँ पे अपना कंपनी का नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपको इंडस्ट्री टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, किस प्रकार कंपनी है, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे कंपनी एड्रेस का जो फुल एड्रेस होता है कंपनी का, वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे पिन कोड जो होता है, पिन कोड आपका जो कंपनी का, वो एड्रेस का यहाँ पे पिन कोड एंटर कर देना है। फिर आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपसे बोला जाएगा वेरीफाई केवाईसी के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप दो तरीके से जो है यहाँ वेरीफाई केवाईसी कर सकते हैं, एक पेपरलेस ई केवाईसी और दूसरा है डिजी लॉकर केवाईसी। तो मैं दोस्तों बोलूँगा आप पेपरलेस ई केवाईसी के माध्यम से ही जो है आप आधार कार्ड की मदद से ही अपना केवाईसी कर ले। तो आपको सिंपली करना है कि आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही दोस्तों फिर आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर देना है, और यहाँ पे आपको एक कैप्चा यहाँ पे आपको शो होगा, तो कैप्चा यहाँ पे एंटर कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके उस आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपको एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको 4 डिजिट का एक जो है शेयर कोड यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। तो आप जो भी आप शेयर कोड रखना चाहते हैं यहाँ पे आपको जो है एक कोड को यहाँ पे जनरेट कर लेना है, ये सेफ्टी के लिए होता है। तो यहाँ पे करके यहाँ पे नीचे इसको एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपसे बोला जाएगा मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए। मोबाइल नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे वो एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करके वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार कार्ड से जितने भी डिटेल्स है यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम वगैरह, फोटो वगैरह सभी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आधार कार्ड से आपको डिटेल। अगर आपको लगता है यहाँ पे गलत, यहाँ पे आप यहाँ पे सही भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बोला जाएगा सेल्फी को अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको सेल्फी अपलोड करने के लिए टैग सेल्फी पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा किस प्रकार को आपको यहाँ पे सेल्फी जो यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पीछे जो है कोई भी जो इमेज वगैरह नहीं होना चाहिए, आपको व्हाइट जो है बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको किस प्रकार का सेल्फी अपलोड करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपको सेल्फी अपलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे टैग पिक्चर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक कहते दोस्तों आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपको यहाँ पे सेल्फी ले लेना है। सेल्फी लेते ही यहाँ पे अपलोड, सेल्फी अपलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर आपको यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको इनकम जो वेरीफाई करने के लिए आपका अकाउंट में जो पैसा आता है उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा अकाउंट को सिलेक्ट करने के लिए, तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों जो भी आपका बैंक है यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी बैंक आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करके अपना बैंक को भी यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे बोला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। आप यहाँ पे दो तरीके से जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एक नेट बैंकिंग, एक अपलोड बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से। तो यहाँ पे हम नेट बैंकिंग के माध्यम से जो है यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते दोस्तों फिर आपको यहाँ बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका जो भी इंटरनेट यूजर आईडी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा तो आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते जो आपका जो बैंक इन्फॉर्मेशन है वो आपका जो वेरीफाई हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको एक बैंक इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा, जो उस बैंक में आपको पैसा ट्रांसफर करना है और जिससे आपकी EMI कटेगी। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करना है। अकाउंट फिल करना है, कंफर्म अकाउंट नंबर दोबारा फिल करना है, यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल के वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है मनी व्यू वाले आपका एप्लीकेशन देखेंगे, आपको सभी कुछ अगर डॉक्यूमेंट आपको चेक करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट सही है या फिर फर्जी है। अगर आपको सभी कुछ सही लगता है तो आपको जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे जो है पैसा ट्रांसफर करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट का आपको वेट कर लेना। तो दोस्तों मैंने 20-25 मिनट बाद यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पहला स्टेप है ये भी कंप्लीट है, दूसरा जो स्टेप है ये भी कंप्लीट हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे तीसरा स्टेप में यहाँ बोला जाए EMI ऑटो डेबिट के लिए यहाँ पे अनेबल करने के लिए। तो जैसे जब भी आपका जो अमाउंट है बैंक से जो EMI बनेगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो कटता रहेगा महीने महीने की। तो आपको सिंपली करना है यहाँ पे अनेबल नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसमें दो तरीके से जो EMI को जो है सेटअप कर सकते हैं, ऑटो डेबिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली करना है यहाँ पे ATM कार्ड और यहाँ पे नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे हम नेट बैंकिंग से करने वाले हैं, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी
जो मैंडेट डिटेल होगा सभी कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा, बैंक अकाउंट कस्टमर आईडी सभी कुछ यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका अमाउंट जो भी आपने जितना लोन लिया वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते भी दोस्तों वही आपको हम बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ यूजर नेम यहाँ पासवर्ड यहाँ पे डाल के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते तीसरा स्टेप हमारा जो यहाँ पे ऑटो डेबिट वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट, तो आपको यहाँ पे एग्रीमेंट को सबमिट करना होगा रिव्यू एंड सबमिट पे, तो आपको सिंपली रिव्यू नाउ क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको दो मोबाइल नंबर पर्सन आपको यहाँ पे देने होंगे, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे फादर्स का, मदर्स का, भाई का, बहन का, यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा जिसका भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने फादर यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर एंटर कर दूंगा। फिर आपसे बोला जाएगा फ्रेंड्स का एक मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए, यहाँ पे आपको एक फ्रेंड का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। फिर आपको रेड रेफरेंस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो भी लोन अमाउंट होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, प्रोसेसिंग फीस जितना कटेगा वो शो हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर जो भी आपका अकाउंट ट्रांसफर होगा वो शो हो जाएगा, और आपकी कितनी मंथली एमआई है और कितना आपका जो है एमआई डेट है वो सभी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, और इंटरेस्ट रेट जो भी होगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते 20% जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सभी कुछ सही लगता है तो यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपका सभी कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा, यहाँ पे आपको चेक कर लेना कि सभी डिटेल्स जो हमने फिल किया है और जो जो हमारा अमाउंट मिला है ये सभी कुछ चेक कर लेना है। अगर आपको सभी कुछ सही लगता है फिर आपको साइनिंग एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है। वेट करते ही दोस्तों आपका जो एग्रीमेंट है यहाँ पे सक्सेसफुली जो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे साइनिंग हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमारा चौथा स्टेप भी जो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिर दोस्तों हमारा पांचवा स्टेप बचता है जो यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे कम से कम आधे से एक घंटा दो घंटे यहाँ पे वेट कर लेना, जो आपका जो अकाउंट जो आपने अकाउंट नंबर दिया है उसमें आपका जो पैसा है यहाँ पे सक्सेसफुली जो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे आप डन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों हमारा जो चौथा स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपका पांचवा स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, ये आप कुछ देर यहाँ पे आपको वेट कर लेना, 15 से 20 मिनट चाहे आधा घंटा भी लग सकता है, और उसके बाद आपका जो भी पैसा आपको अमाउंट जो भी लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर जो है यहाँ पे कर दिया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसी प्रकार जो है मनी व्यू से जो है लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे इस वीडियो से किसी को आपको डाउट रहता है तो हमारे कमेंट में जरूर करें। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।